हर साल 1 से 7 अगस्त के बीच दुनिया भर के 120 देशों में ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है, जहां ये वीक स्कॉटलैंड में 18 से 22 जून के बीच मनाया जाता है तो इंग्लैंड में 25 से 29 जून के बीच, बट इंडिया में हम इसे 1 से 7 अगस्त के बीच मनाते हैं। द सोल पर्पज टू सेलिब्रेट दिस वीक इज टू एनकरेज पीपल फॉर ब्रेस्ट फीडिंग इन पब्लिक एंड टू रेज द अवेयरनेस फॉर द लिंक बिटवीन गुड न्यूट्रिशन एंड ब्रेस्ट फीडिंग। सो एज वी ऑल नो आज 1 अगस्त है और ब्रेस्ट फीडिंग वीक शुरू हो चुका है। आज हमारे साथ हमारे कुछ कोलीग्स हैं, उनसे जानते हैं कि क्या उनका ओपिनियन है ब्रेस्ट फीडिंग को लेके। यहाँ हमारे पास मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं इंडियन सोसाइटी में ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ टैबू, इसको एक्सेप्ट उतना नहीं किया जाता है। बहुत पुराने समय से लेके अब तक ऑफकोर्स देयर इज अ चेंज, बट आई थिंक देयर इज स्टिल होप फॉर चेंज। सो सौरभ सर से जानते हैं, व्हाट डू यू थिंक सर, ब्रेस्ट फीडिंग एज अ टैबू इन इंडिया, क्या हम एक टैबू फ्री इंडिया देख सकते हैं आगे जाके ब्रेस्ट फीडिंग को लेके? उम्मीद एक जिंदा शब्द है, हमेशा रहना चाहिए। और मैंने अपनी माँ का, जब मैं 4 साल का था तब तक दूध पिया, और मेरी माँ बड़ी परेशान हो गई कि ये दूध पीना क्यों नहीं छोड़ रहा है। तो फिर वो अलग अलग उपाय अपनाती थी, कभी वो ऐसे कुछ कैप्सूल वगैरह लगा लेती थी कि शायद उससे हट जाए। ये गांव देहात में ऐसे उपाय अपनाए जाते थे, लोग बताते थे ये खिला दो तो शायद पीना बंद कर दे दूध। फिर आखिरी में नीम काम आई, तो वो नीम की पत्तियों को पीस के लगा लेती थी निपल्स पे, तो फिर मैं हटा देता था और फिर पीने की कोशिश करता था, लेकिन तब भी कड़वाहट रहती थी। तो ऐसे छूटा। और वो कहते हैं डॉक्टर्स कि माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, और मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। तो मैंने अपनी माँ का दूध पिया है, मुहावरे में भी और असल में भी, और पढ़ाई में भी अच्छा रहा हूँ, स्कूल कॉलेज टॉप किए हैं अपने। और जो दूसरा सवाल है ब्रेस्ट फीडिंग वीक से जुड़ा हुआ कि पब्लिक में टैबू, आप खाना खाते हो, अगर आपको भूख लगी तो आप ट्रेन में खाना खाते हो ना, आप कोना तो नहीं पकड़ते हो ना कि प्राइवेसी नहीं है। तो बच्चे को भूख लगी है तो वो खाना खाएगा ना, बच्चे का खाना क्या है, उसकी माँ का दूध है। इट्स एज सिंपल एज दैट। दूसरी चीज़ क्या है कि हिंदुस्तान में ना लोगों को एक बड़ी तगड़ी सी सेक्स थेरेपी की ज़रूरत है ना, तो वो सेक्स थेरेपी तो अभी मिल नहीं रही है, क्योंकि अभी तो हम उस स्टेज पे भी नहीं पहुँचे हैं जहाँ पे केले पे कॉन्डोम चढ़ा के हम बता सकें कि बेटा कॉन्डोम ऐसे पहनते हैं और प्लीज़ कॉन्डोम पहनो, हमें चाइना को नहीं हराना है इस एक चीज़ में। तो वो तो है नहीं। और उसके लिए आप, कई लोगों को लगता है कि नहीं साहब ये तो गरीबों में होता है ना, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सबको बेटा चाहिए। और बेटा पैदा करने के लिए जैसे होता है ना बाई प्रोडक्ट्स, कि आपको बढ़िया शराब चाहिए तो इतना कचरा तो निकलेगा ही फर्मेंट करने के बाद, तो लोगों को लगता है कि जो बेटियां हैं वो कचरा हैं, ये लोगों की सोच है ना, और इसलिए बेटा पैदा करना है। शास्त्रों में भी किसी मूढ़ ने लिख दिया है कि जब तक बेटा नहीं होगा आपको पुंग नाम के नरक से त्राण नहीं मिलेगा, पुत्र की ये परिभाषा है। तो हम इन मूर्खताओं को ढो रहे हैं, एक चीज़ है। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी महान चीज़ है दहेज, तो दहेज की वजह से होते हैं यार, बेटी होगी साहब दहेज देना पड़ेगा, बेटा होना चाहिए दहेज लेके आएगा, अब चौराहे बेटा तो भीख मांगने लगे, दहेज की क्या ज़रूरत है। तीसरी जो गड़बड़ होती है वो होती है कि जब बेटियों के साथ हमने इज्जत वाला फैक्टर जोड़ दिया, बेटी होगी बाहर जाएगी लोग छेड़ेंगे समाज में बदनामी होगी, तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो वो जो सेक्स थेरेपी की मैं बात कर रहा था उसी का हिस्सा ही, जब आपकी वो सेक्स थेरेपी हो जाएगी, जब आपको समझ आएगा भाई आदमी और औरत दो नॉर्मल क्रीचर हैं जैसे बाकी सारे स्तनपाई मैमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, तो वो दे मेट, बट वो अपनी कंसेंट से मेटिंग करते हैं, ठीक है। तो आदमी और औरत अपनी मर्जी से प्यार करें सेक्स करें वो उनकी मर्जी है, ठीक है ना, बाकियों के साथ आप नहीं कर सकते, बिना मर्जी नहीं कर सकते। इट्स रेप, एज सिंपल एज दैट, RAPE, रेप। आप किसी को घूर रहे हैं उसकी प्राइवेसी में दखल दे रहे हैं, ये दिखा रहा है कि आप कितने बीमार हैं, या तो आप ये भूल गए कि कभी आपने माँ का दूध पिया था, अगर वो आपको याद रहता तो आपको ये अजीब नहीं लगता, या फिर आप ये भूल गए कि जो आप गाय का दूध पीते हैं वो भी उसके थन से निकलता है अडर। सो आई वॉज वॉचिंग दिस, आई वॉज टेलिंग यू बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस लाइव कि एक स्टैंड अप कॉमिक देख रहा था और उसमें सेजल भट्ट नाम है लड़की का, शी इज़ फ्रॉम बेंगलुरु, उसने ये चीज़ बोली कि होमोसेपियंस इकलौते ऐसे लोग हैं जो फीड करने वाले ऑर्गन को ऐसे सेक्सुअलाइज करते हैं, घूरते रहते हैं, घूरते रहते हैं, घूरते रहते हैं। और बोली उसके हिसाब से लड़कियों को फिर उसी चक्कर में परेशान होना पड़ता है कि कितना दिखना ठीक दिखना है, ये स्लट का लेवल है ये घरेलू का लेवल है, इसके बीच में कहीं एडजस्ट करना। सो आई थिंक वीमेन शुड बी अलाउड टू ब्रेस्ट फीड देयर किड्स एनी वेयर, वन सेकेंड इफ दे आर नॉट कम्फर्टेबल, हर जगह पे फीडिंग रूम होने चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ कुछ ऐसे जिसको लोग तंज में कहते हैं एयर कंडीशन कमरों में बैठ के लोगों ने वर्डिक्ट दे दिया, वैसा नहीं है। इट्स अबाउट विमेंस कंफर्ट एज वेल। गांव देहात में कंफर्ट है, वहां उतना लोड नहीं लेते हैं। पारुल सहमति में सर हिला रहे हैं, हमने वो
दे आर वेरी नॉर्मल, वो दे आर नॉट दैट अशेम्ड ऑफ देयर बॉडी अभी. बिल्कुल. शहरों में क्या है कि लोगों को दिक्कत होती है, तो लोगों की आपको वो दिक्कत भी एड्रेस करनी होगी. तो जो पब्लिक वाली जगह हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, दूसरी जगह, वहाँ पे बनाना पड़ेगा. लेकिन ये कहना बड़ा आसान बनाना पड़ेगा. हम तो अभी तक औरतों के सूसू करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं बना पाए हैं. फीडिंग तो आप एक खास फेज में करते हो ना, आप यू आर लैक्टेटिंग, यू हैव किड्स, तभी करते हो. सूसू तो आप रोज करते हो. हम महिलाओं के लिए टॉयलेट्स नहीं बना पाए हैं पब्लिक प्लेसेस पे पर्याप्त, तो वो अभी बहुत दूर की कौड़ी है. हो, अच्छी बात है, पर पहले बहुत सारे सूसू घर बनाइए, साफ सूसू घर बनाइए जिससे उनको यूटीआई ना हो, और सेफ सूसू घर बनाइए. क्योंकि बिहार में अभी जो बच्चियां शेल्टर होम में पकड़ी गई, उनमें से एक शेल्टर होम की बच्चियों ने यही कहा कि हमारे टॉयलेट्स में कुंडियां नहीं थी, वी यूज्ड टू फील अनसेफ, कभी भी कोई भी आ सकता है. सो दैट्स माय. बिल्कुल. तो सौरभ सर ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम्स शेयर करी हमारे साथ. एंड मैं बस ये कह रहा था कि जैसे आप ये सारा बता रहे थे कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो इसके अंदर क्या आपको लगता है कि महिलाएं जो हैं, जैसे जो गर्भवती जो नया बच्चे को जन्म देती है, जिसको ब्रेस्ट फीड कराना होता है, उसकी जो सासू माँ होती है, उनको भी जो है अवेयर करना चाहिए? क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर जो सासू माँ होती है, वही खुद जाके कहती है, अरे बेटा नहीं नहीं, जरा वहाँ कोने में, वहाँ एक कमरे में, अच्छा चुन्नी ओढ़ के, ऐसे करके अलग अलग, कि उन्हीं वो वहीं से एक लेवल की शुरुआत होगी. कि अगर क्योंकि उन्होंने भी अगर कि इंकलाब सासू माओं के खिलाफ शुरू होना चाहिए. नहीं, सासू शादी नहीं हुई ना अभी. नहीं, अभी नहीं. कैन अफोर्ड टू से दैट. नहीं नहीं, सासू माँ बहुत अच्छे क्रिएचर होते हैं. आई कम्प्लीटली डिसएग्री जिस तरीके से टीवी में, खासतौर पर सीरियल्स में, सासू माओं को पोर्ट्रे किया जाता है. एंड आई जनरली बिलीव कि जो सासू वर्ड है उसको आपको डिलीट मार देना चाहिए. शी इज योर सेकंड मदर, ऑलवेज रिमेंबर दैट. जैसे आप लड़की से ये उम्मीद करते हो ना, वो आपके घर आएगी, आपकी माँ को अपनी माँ मान लेगी, आपके पापा को अपना पापा, बहुत प्यार देगी, आपको भी उतना ही प्यार देना है, देन ओनली यू विल गेट दैट रिस्पेक्ट. पर होता क्या है, लड़कों को इंडिया में ना बाई डिफॉल्ट रिस्पेक्ट मिल जाता है दामाद जी. अब दामाद जी हो तो क्या, तुम्हारे सर आपके पर निकले ना. वो तो है, तो हम भी जो दूसरे बेटे बन जाते हैं, बन जाते हैं. हाँ, बिल्कुल. चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बनेंगे. ज्यादातर नहीं बनते हैं, चौड़ में रहते हैं. मतलब आप ससुराल जाओगे तो अतिरिक्त मक्खन डाला जाएगा, नई नई कटलरी का नया सेट निकाला जाएगा, फिर आपको जाते टाइम कपड़े और पैसे दिए, क्यों दिए भाई पैसे, पैसे नहीं क्या. नहीं, तो मना करना. शहरों में भी अब जो है ट्रेंड धीरे धीरे बदल रहा है. अरे यार, लड़कियों को सूट, एक सूट जाता है अच्छा सा बन के, क्यों जाएगा भाई सूट, अपने पैसे से खरीदना सूट जाके. ससुराल वाले थे जो सूट क्यों देंगे. नहीं, ससुराल वाले नहीं, इन द सेंस कि जो लड़की होती है जो ब्याह करके आती है नए घर में, तो वहाँ पर जो सेकंड मदर, मदर जो उनकी होती है, मदर इन लॉ, वो भी उसको काफी सारे गिफ्ट्स तोहफे वगैरह सारे देती है. मैं ये कह रहा हूँ कि सासू माँ को डेमोनाइज करना बंद करिए. सासू माँ को डेमोनाइज करना बंद करिए, ये आपकी कॉल है, आपके कंफर्ट की बात है. अगर आपकी सासू माँ को दिक्कत है, आप उनको लॉजिक दीजिए, ठीक है ना. उनको अव्वल तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो फीड किया होगा ना लाडले को, तभी तो वो इतना बड़ा हो गया, खम्बेसा की बहू ले आया घर पे. तो ऐसे ये ऐसे हमें पिन पॉइंट नहीं करना चाहिए कि सासू माँ को दिक्कत है या ननद जी को दिक्कत है. आपको दिक्कत है तो आप अपना कंफर्ट खोजिए. सोसाइटी एज अ होल को दिक्कत है, बाकी देखो लोग आपको घूरेंगे, लोग घूरेंगे. और इसमें जो सेक्स वाली चीज है कि तीन महीने की बच्ची का रेप होता है, उसके तो ब्रेस्ट नहीं है ना, उसने कैसे अलाउ कर दिया. तो सोच ही यहाँ की गंदी है. तो नहीं, यहाँ की नहीं, मतलब लोगों की, कुछ लोगों की, हाँ कुछ नहीं, कई लोगों की है. और उसमें उनकी गलती नहीं है, हमारा पूरा सिस्टम ऐसे बना हुआ है, हमें बचपन सिखाना चाहिए. डेनमार्क में बहुत शानदार सिस्टम है उनका, स्कूल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का मैं फैन हूँ. वहाँ पे बच्चा पूछता है, मम्मी बच्चा कहाँ से आता है, तो मम्मी ये नहीं कहती बेटा अस्पताल से लाए थे भगवान जी ने, वो बताती है बेटा वजाइना से. It's as simple as that. You have to tell it. Yeah, exactly. अब वो आप कैसी creative language बताएं कि ऐसे organs होते हैं आपके parents, they are in relationship, they make love, then they produce you. आपको बताना होगा. आप जब तक अस्पताल से लेके आए और चिड़ियाघर से लेके आए बताते रहोगे, तब तक वो शुरुआत नहीं होगी. जब तक हमारी नेशन में सेक्स को इतना हाइप्ड रखेंगे कि लड़कों को ऐसा लगे कि पता नहीं सेक्स तो क्या है, हमें चाहिए, तभी रेप्स होंगे, तभी सब कुछ होगा. और उसको कर्व करने के भी 100 तरीके हैं. बट हम बहुत डाइवर्ट हो गए हैं टॉपिक से. लेट्स कम बैक टू ब्रेस्ट फीडिंग. वी हैव अ मदर विद अस हियर. शी इज अ मदर ऑफ टू. को कभी ऐसा टैबू फेस करने को मिला है अपनी लाइफ? कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ब्रेस्ट फीडिंग एक टैबू है. और मुझे लगता है ज़्यादातर महिलाएं जो मदर्स हैं उन्हें ऐसा फील भी हुआ होगा. आई डोंट थिंक सो.
अब आप खुद सोचिए कि जब एक बच्चे को बहुत भूख लगती है उस समय एक माँ क्या सोचती है, वो बिल्कुल भी ये नहीं सोचेगी ना कि यार आसपास क्या है क्या नहीं है, या मुझे छुप के दूध पिलाना चाहिए, या मैं कहाँ हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पब्लिक प्लेस में होते हैं, हम किसी मॉल में हैं, बच्चे को भूख लग गई, अब आप उस समय रूम ढूंढोगे क्या? आप ऐसी कोई जगह नहीं ढूंढ सकते जहाँ आपको बच्चे को फीड कराना है। आप उस समय तुरंत यार कहीं भी होगे बैठोगे और बच्चे को दूध पिलाओगे, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को रोता हुआ देख ही नहीं सकती, वो जहाँ है वहीं पिलाएगी। और उस समय कोई टैबू, कोई फीलिंग शेम की वो कहीं किसी मॉम को नहीं आती है। तो लोग जो होते हैं उस टाइम पे वहाँ पे, आपको उनसे कोई ऑकवर्डनेस होती है या लुक्स मिलती है? मुझे ना, मुझे कभी फील हुआ और ना मैंने किसी और को देखा होगा कि कोई महिला अगर दूध पिला रही है ओपन में तो कोई उसको घूर रहा होगा। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग को टैबू बना रखा है, बट आई डोंट फील कि ब्रेस्ट फीडिंग इतना बड़ा हुआ है जिस पर बात होती है। आप खुद देखिए, अभी यहाँ की जो सोसाइटी है, ज़बरदस्ती का वो बना दिया गया है कि यार टैबू ये। अब आप देखिए गांव में जाएंगे, आपने कभी किसी महिला को पर्दा करते हुए भी दूध पिलाते हुए नहीं देखा होगा, वो दे डोंट फील इट, उनको पता है कि बच्चा है यार दूध पिला रहे हैं, मतलब क्या है इसमें। कोई उनको कोई किसी भी चीज़ की शर्म नहीं है कि हम खुले में बैठे हैं या हमने कवर किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आई थिंक हमें सीखना चाहिए ये चीज फ्रॉम अंडर डेवलप्ड प्लेसेस कि उनको नहीं फर्क पड़ता है। हम अर्बन मदर्स का ही आई थिंक दिमाग में है, लोगों के दिमाग का कीड़ा है, दिमाग का कीड़ा है ये। एग्जैक्टली आप क्या कह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, टैबू ये हमें लगता है, बट मेरे सामने के मैं दो इंसिडेंट्स आपको बताती हूँ। सेम मदर, मेरी फ्रेंड है, अभी उसका न्यू बॉर्न बेबी है 6 मंथ ओल्ड। मैं 3 महीने पहले मैं लखनऊ गई थी, वहाँ पे हम बाहर मॉल में गए हुए थे, उसके बेबी को फीड कराना था। उसने स्टोल ओढ़ा और बेबी को फीड कराने लगी, सामने 3 लोग बैठे थे, वो उठ करके चुपचाप पीछे की सीट पे चले गए। तो ये आपको और हमें लगता है कि लोग हमें घूरेंगे या लोग इसको कैसे परसीव करेंगे, बट एक्चुअली लोग उसको उसी वात्सल्य से देखते हैं, उसी प्यार से देखते हैं जिस प्यार से माँ अपने बच्चे को फीड कराती है। उसके बाद वो जो रेस्टोरेंट था उसके एम्प्लॉयज़ आए, उन्होंने उस बच्चे को संभाला, और जब उसे फिर दोबारा 1 घंटे बाद दूध पीना था तो उसके एम्प्लॉयज़ जो मेल एम्प्लॉयज़ थे, क्योंकि वो खाली हो चुका था, तो वो बाहर चले गए, वो उठ करके काउंटर पे चले गए, या मतलब मेल एम्प्लॉयज़ सारे वहाँ से हट गए ताकि मेरी जो फ्रेंड है वो अपने बच्चे को कम्फर्टेबली दूध पिला सके। उसी के साथ यहाँ अभी मैं DLF आई थी, उस समय की ये हुई कि उस समय भी बच्चा रोने लगा। अब पहले तो रेस्टोरेंट के सारे लोग आ गए, बड़े लड़कियां आ गई, जितने भी स्टाफ थे वो आ गए, वो बच्चे को चुप कराने लगे कि नहीं नहीं बेबी चुप हो जाओ, पता चला कि उसे भूख लगी है। मेरी फ्रेंड ने फिर वहाँ पे फीड कराना शुरू किया, सामने में 2 यंग लड़के लड़की बैठे थे, उन्होंने एक बार देखा और उसके बाद वो अपने काम में लग गए। सामने की पूरी टेबल भरी थी लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि मेरी फ्रेंड को ऑकवर्ड लग रहा था, वो कह रही थी यार मैं फीडिंग रूम में चली जाती हूँ, पर जब उसने ये देखा तो वो फिर कंफर्टेबल हो गई। तो ऐसा होता नहीं है जनरली कि आपको कोई अनकंफर्टेबल फील कराता है, इट्स इन योर स्टेट ऑफ माइंड कि आप फील करते हो। जिस दिन आपने इस सोच को हटा लिया कि नहीं भाई नीड है उसकी, आप खाना खा रहे हो ना, बच्चे का तो खाना वही है, बिल्कुल आप स्टॉल लगाओ ना लगाओ हाउ डज इट मैटर। ये तो आपको आपकी सोसाइटी ने बताया है कि आपको कुर्ता पहनना चाहिए, आपको बुर्का पहनना चाहिए, आपको साड़ी पहननी चाहिए। बिल्कुल। आप साड़ी नहीं पहनते हो, आपको सूट में भी ऑकवर्ड लगता है। बिल्कुल। मेरी मम्मी सूट नहीं पहनती क्योंकि उन्होंने आज तक साड़ी ही पहना है, उनको ऑकवर्ड लगता है। तो ये हमारे दिमाग में भरा गया है, जिस दिन हम देख लेंगे कि नहीं मेरी मम्मी की एज की लेडीज सूट पहनती है, मेरी मम्मी एक बार पहन लेगी वो दोबारा पहनने लगेगी, लोग भी आपको देखना बंद कर देंगे। वो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। और अगर आप इसको इंटरनेशनली लेंगे तो अभी मैं वही देख रही थी, ऑस्ट्रेलिया के सीनेटर संसद में बैठ करके अपने बच्चे को फीड करा रही है। बिल्कुल। वेनेजुएला के एक्स प्रेसिडेंट के सामने जब वो आए चुनाव प्रचार के लिए, तो लेडी फीड करा रही है और अपनी प्रॉब्लम बता रही है, और ऐसा नहीं था कि वो उनको उसके ब्रेस्ट को देख रहे थे बल्कि वो उसकी आंखों में देख रहे थे। वो एक वात्सल्य था, वो एक बच्चा है जिसके लिए आप अभी देखेंगी, कोई और एक्स वाई जेड देखेगा उसको वही प्यार आएगा जो एक बच्चे के लिए आना चाहिए। तो ये टैबू नहीं है। एग्जैक्टली। समाज में ना हर तरीके के लोग होते हैं, जैसे हम हर किसी को हर आदमी को गलत नहीं कह सकते ना कि यार ये गलत निगाह से देखेगा,
बिकॉज हर तरीके के लोग होते हैं. इसी तरह से जैसे हर कोई रेपिस्ट नहीं होता, ऐसे ही इसी तरीके के लोग सोसाइटी में होते हैं जो, हाँ ज़रूर, जिसकी निगाह ख़राब होगी वो हर व्यक्ति को उसी निगाह से देखेगा, लड़की को भी वैसे देखेगा, बच्ची को भी वैसे देखेगा और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली मॉम को भी वैसे ही देखेगा. बिल्कुल. लेकिन रेप तो देखिए 3 महीने की बच्ची का भी होता है और 9 साल की लेडी का भी होता है. दिस इज नॉट एज सच अ टैबू. बिल्कुल. सो वी हैव गॉट अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स. हमारी जो कोलीग्स हैं उनकी बहुत ही अच्छी थिंकिंग है. इनकी सोच ऐसी है कि हमारे अंदर वो कम्फर्ट हो ना हो ये हमारे ऊपर है. तो सोच एज यूजल हमसे ही बनती है और हमसे ही चेंज होती है. सो द चेंज इज इन यू दिस ब्रेस्ट फीडिंग वीक. Tell yourselves that it's not awkward, it's a completely normal phenomena, and feeding your child in public, in private, is all about your comfort. Agar aap comfortable hain, to aap dusron ko bhi normalize kar sakte hain. You should be proud of it. Yes, absolutely. You should be proud of it. It's your child and they're like your... proud of being a mom. Absolutely. You should be proud of breastfeeding your child. Absolutely. Main ek cheez add karna chahungi. Bilkul. I'm going to be a mom. After my delivery, I will not feel ashamed kahin pe bhi. If my child is hungry, I'm gonna feed him. Brilliant, brilliant. That's this is the attitude we need in every mom. किसी को problem है तो please mind your own head. I'm doing my own business. मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रखूंगी. That's it. एक्सेलेंट. सो इसी नोट पे इस ब्रेस्ट फीडिंग वीक अपने आप को अवेयर करिए, अपने आसपास वालों को अवेयर करिए. दिस इज तानिया सहगल साइनिंग ऑफ विद कैमरा पर्सन मानसी गुप्ता एंड इंडिया टुडेज टीम. थैंक यू.